नमस्कार साथियों, कुवैत के बारे में सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे आज कि क्या कोई कंपनी या कुवैत का लेबर लॉ ऐसा कुछ बोलता है। फोरक्लिप ऑपरेटर का इंडिया में हालांकि काम करता है और आपको पता है कोई भी देश सऊदी को छोड़ के कोई भी देश इंडियन लाइसेंस को वैलिड नहीं मानता है, ड्राइवरी से रिलेटेड से कोई भी लाइसेंस हो वो आप सबको पता है। उसके बावजूद यहाँ पे हम बात करेंगे, बंदे ने नहीं तो कोई इंटरव्यू दिया, नहीं उसका कोई ऑफर लेटर आया, नहीं उसका कोई सीवी सिलेक्शन मतलब कंपनी की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ना ही उनके पास लाइसेंस है कुवैत का, ना ही उनके पास कोई इंटरव्यू हुआ। जी हाँ, डायरेक्ट उसको ऑफर लेटर दे दिया गया और वीजा दे दिया गया फोरक्लिप ऑपरेटर का। जी हाँ, चार्ज मात्र 45,000 है, 45,000 रुपए कुवैत के चार्ज बताया गया। 11 महीने का शटडाउन वीजा है। जी हाँ, अभी मेडिकल एक हो गया है, एक वीजा आने के बाद मेडिकल होगा। जी गम का, जब 11 महीने का शटडाउन वीजा होता है मेडिकल किस बात का होता है जी, गम का, वो भी गम का करवाएगा अगला। पैसे की बात, 20,000 रुपये ऑफर लेटर पे देने हैं, 20,000 रुपये जब टिकट देंगे तब देने हैं, 25,000 रुपये तब देने हैं। देखो जी कितना आसान है, जबकि कुवैत जाने का 1,00,000 रुपये लग रहा है आज की डेट में, फिर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं, 1,00,000 रुपये खर्च करके भी नहीं जा पा रहे हैं, और ये बंदा इसको 45,000 में भेज रहा है वीजा टिकट सब कुछ देके। ऑफर लेटर आप देख लीजिए, आगे हम और बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ले भाई ऑफर लेटर का नाम देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैसे नाम आ गया भाई, ये कंपनी का नाम आना चाहिए था ऊपर लेकिन उसमें उल्टा हो गया। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिर दिया गया है, एड्रेस भी इसका दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डिटेल बंदे का नाम, पासपोर्ट नंबर, एम्प्लॉयमेंट, फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर इसमें दिया गया है। बेनिफिट देख लो भाई, मंथली सैलरी 220 KD प्लस फूड, यानी 250 के करीब हो गई ना, अकोमोडेशन मिल जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ कंपनी का रहेगा, 8 घंटे इसमें ड्यूटी रहेगी, 6 दिन आपको काम करना है। डेट ऑफ सैलरी पेमेंट 7 तारीख को, प्रत्येक महीने की 7 तारीख को आपको तनख्वाह मिल जाएगी करेगी भाई। आगे देख लीजिए, शटडाउन एंड ड्यूरेशन 11 मंथ का वीज़ा है, वर्क स्टडी टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी वीज़ा भाई, टीपी का मतलब ये होता है ना। डिटेल ऑफ सिग्नेचरी एमर खालिद एंड ये देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना ये फैक्ट होती हैं, इतना हो जाता है, इसमें गड़बड़ कहाँ होती है देखिए। एक तो पोस्टन में क्या नाम है भाई, पोस्टन में एडिट किया नाम डाल दिया, तनख्वाह कितनी चाहिए सर, इतनी, हाँ इतनी मिल जाएगी, ये सिस्टम होता है। बाकी यार कुवैत का देखिए, सबसे मेन विजन ये है ना कि कुवैत की वीज़ा बंद है, कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्क परमिट वीज़ा, ये सब वीज़ा बंद हैं, उनके बावजूद ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं, वीज़ा दिए जा रहे हैं, मेडिकल किए जा रहे हैं, पैसा लिए जा रहे हैं। तो भाई देखिए, इतना ही बोलना था, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वरना पैसा एक बार जो गया वापस नहीं आने वाला है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय